व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुरैया की। 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा में सुरैया का खास योगदान रहा। अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया ने अपने हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। उन्होंने अपने अभिनय और गायकी से हर कदम पर खुद को साबित किया है। 15 जून 1929 को जन्मी सुरैया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका असली नाम सुरैया जमाल शेख था। जब वो 1 साल की थी तब उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। सुरैया बचपन में ऑल इंडिया रेडियो पर गाया करती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1936 में आई फिल्म मैडम फैशन से एक बाल कलाकार के तौर पर की। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना नई दुनिया फिल्म में गाया था। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत बड़े रोचक तरीके से हुई। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वो मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं, तो निर्देशक नानू भाई वकील की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने एक ही नजर में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए उन्हें चुन लिया। इसी तरह से संगीतकार नौशाद ने भी ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी आवाज सुनी और उनसे फिल्म शारदा में गीत गवाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद नूरजहां और खुर्शीद बानो ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन सुरैया यहीं रहीं। अपने करियर के दौरान सुरैया ने करीब 67 फिल्मों में काम किया और 338 गाने गाए। सुरैया अपनी फिल्मों और गानों के अलावा सबसे ज्यादा जिस बात के लिए चर्चा में रही वो थी उनकी और देवानंद की प्रेम कहानी। सुरैया देवानंद का पहला प्यार थी। दोनों की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित लव स्टोरीज में से एक है, लेकिन इसका अंत दुखद रहा था। देवानंद जब इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे तब तक सुरैया एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। देवानंद और सुरैया दोनों एक दूसरे के दीवाने थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मजहब की दीवार के चलते दोनों की प्रेम कहानी आगे नहीं बढ़ पाई। अपनी नानी की मर्जी न होने के कारण सुरैया ने देवानंद के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुरैया की नानी ने दोनों के मेलजोल पर खूब कड़े पहरे लगवाए। कैमरामैन लारका दिवेजा तेज गति से कार चलाकर देवानंद और सुरैया की मुलाकात करवाते थे। देवानंद सुरैया की आखिरी मुलाकात करवाई थी सुरैया की माँ मुमताज बेगम ने, जो चाहती थी कि सुरैया और देवानंद की शादी हो जाए। आखिरकार 1951 के बाद देवानंद और सुरैया अलग अलग हो गए। देवानंद ने आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में अपनी लव स्टोरी का जिक्र किया है। देवानंद ने लिखा कि काम के दौरान सुरैया से मेरी गहरी दोस्ती होती जा रही थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, लेकिन मजहब अलग होने के कारण हम कभी एक नहीं हो पाए। 1948 में सुरैया की फिल्म विद्या रिलीज हुई। इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी और इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच प्यार पनपा। फिल्म विद्या के गाने की शूटिंग हो रही थी, किनारे किनारे चले जाएंगे। शूटिंग के दौरान नाव उलट गई जिसमें देवानंद और सुरैया बैठे हुए थे। तैरना न जानने वाली सुरैया को देवानंद ने बचाया और इस तरह से देवानंद और सुरैया दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। विद्या फिल्म के बाद देवानंद के साथ सुरैया की दूसरी फिल्म जीत 1949 में पर्दे पर आई। इसका निर्देशन अभिनेत्री विद्या सिन्हा के पिता मोहन सिन्हा ने किया था। जीत फिल्म के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार किया और सुरैया को हीरे की अंगूठी दी। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुल 7 फिल्मों में काम किया। 1949 में ही दोनों की एक और फिल्म शायर रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ कामिनी कौशल भी थी।
1950 में सुरैया और देवानंद की फिल्म अफसर रिलीज हुई। अफसर नौकेतन बैनर की पहली फिल्म थी जिसका निर्देशन चेतन आनंद ने किया था। इसके बाद सुरैया और देवानंद की 3 फिल्में और रिलीज हुई, 1950 में नीली और 1951 में सनम और दो सितारे उन दोनों की आखिरी फिल्म थी। देवानंद ने आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि सुरैया की आंखें बहुत खूबसूरत थीं। वे इसके साथ ही एक बड़ी गायिका भी थीं। हाँ, मैंने उनसे प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का पहला मासूम प्यार कहना चाहूंगा। देवानंद ने सुरैया के साथ अपने प्रेम संबंध के बारे में कहा है कि वो सुरैया का शासनकाल था और मैं फिल्म उद्योग में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों चुंबक की तरह नजदीक आते चले गए। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर प्रेम करने लगे। मुझे याद है कि मैं चर्चगेट स्टेशन पर उतरकर पैदल ही मैरिन ड्राइव पर कृष्ण महल जाया करता था जहां सुरैया रहती थी। इस अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क पर भीड़ लगी रहती थी। हम लिविंग रूम में बैठा करते थे। सुरैया की माँ ने तो हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया था, पर उनकी नानी मुझे नापसंद करती थी। उन दोनों सेट के अलावा कहीं और मिलना संभव नहीं था, इसलिए हमारे बीच खतों किताबत चलती रहती थी। हम शादी करना चाहते थे लेकिन सुरैया अपनी नानी की मर्जी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुई। एक दिन नानी के हुक्म का पालन करते हुए सुरैया ने मुझे नो कह दिया। मेरा दिल टूट गया। उस रात घर जाकर चेतन के कंधे पर सिर रखकर खूब रोया और उन्हें अपनी सारी दास्तान सुना दी। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जीवन के उस दौर में हर एक के साथ ऐसा कुछ घटता है। आज मैं समझता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बाद में देवानंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, परंतु सुरैया ने अपने जीवन में देवानंद की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मरीन लाइन मुंबई के अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्होंने अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल की और इस वजह से समकालीन अभिनेत्रियों में उनकी खास जगह हुआ करती थी। 31 जनवरी 2004 को सुरैया दुनिया को अलविदा कह गईं। आज भी सुरैया के कद्रदानों की कमी नहीं है। सुरैया भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय, उनका संगीत हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट। नमस्कार।